जी मैम, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं बिचौलिया गई थी परसों के दिन 29 तारीख को, जो वहाँ से मैं वापस आ रही थी 29 तारीख को, जो दो लड़के मिले मुझे वहाँ पे, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, बिचौलिया छोड़ दिया और बिचौलिया से मेरे पीछे पीछे किशनगढ़ तक आ गए। और फिर कल एक लड़का आया जो उसने मुझे नंबर दिए और मुझे धमकी दी, मेरे साथ गलत काम करा। मैंने उसको मना कर दिया, मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मैं उस घर में साफ सफाई करने गई थी और वो लड़का मुझे देख लिया वहाँ पे और वह ज़बरदस्ती करने लग गया वहाँ। फिर मैं वो गाड़ी छोड़ के भाग गया वहाँ से। फिर मैं वापस गई थाने में, थाने में जाके देखा तो वो उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी कि इन्होंने मेरी गाड़ी ले ली और 10,000 रुपये चुरा लिए। हाँ, फिर मैंने पुलिस वालों से बोला कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसे मेरे साथ गलत काम हुआ है, ऐसा हुआ है। तो उन पुलिस वालों ने धमकी दी कि तुम गलत हो और तुम धंधा करती हो, तुम ऐसा, मतलब उल्टा सीधा बोला। फिर मैं वहाँ से जैसे तैसे, तो मैं नहीं, मैं पहले से नहीं जानती, मुझे 2 दिन हुए जाने। क्या नाम है दोनों का? उसका नाम राजू जाट है, दूसरे का पुलिस वाला का नाम, दूसरा पुलिस वाला था क्या उसका? नहीं, पूरा स्टाफ ही है पुलिस वाला, गांधीनगर थाना से। गांधीनगर आज किससे मिलना है? आज बड़े साहब से मिलना है, एसपी साहब से। ये बड़ी गौरव की बात है, अजमेर ज़िले में मेरे बच्चे ने जो कामयाबी हासिल की है, इस ज़िले के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और अजमेर ज़िले का और नाम रोशन होगा। मैं यही कामना करता हूँ कि अजमेर में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं तो बच्चों को जिम्मेदारी से टीचर उनको पढ़ाएं और उनके पेरेंट्स से वाद विवाद करके समस्या का समाधान करें। ये मेरी हार्दिक कामना है अजमेर ज़िले को इंडिया लेवल पर उसका नाम रोशन हो। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार दत्त। हाँ मैम, बताएं आपके भाई को किस तरह का? मेरे भाई को 1 मार्च 2020 को दिल्ली IIT में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसको ये अवार्ड उसके इनोवेशन आइडियाज़ के लिए दिया गया जो जीरो इन्वेस्टमेंट पर है, और ई ट्यूटोरियल डेवलपमेंट करने के लिए उसने कुछ अपने आइडियाज़ दिए हैं जिससे स्टूडेंट फ्यूचर में बेनिफिट होगा, जिससे बच्चों को, जो टीचर आज के टाइम में जो प्रेजेंटली टीच कर रहा है और बहुत अच्छा टीचर है, इन केस अगर वो रिटायर हो जाता है और उसके कुछ ट्यूटोरियल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो वो फ्यूचर में बच्चे को अवेलेबल रहेंगे ई कंटेंट के थ्रू और ई ट्यूटोरियल के थ्रू। आज क्या किया आप लोगों? आज हमने आज क्योंकि 3 मार्च था, ये वहाँ से IIT दिल्ली से वापस आए हैं, तो हम परिवार वालों ने इस मौके को बहुत हर्षोल्लास से मनाया और मिठाई बाटी और बहुत अच्छा स्वागत किया है। मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा, मैं लेक्चरर हूँ। जी सर, धरना देने आए थे, क्या किस तरीके से परेशानी आ रही है? ऐसा सर, कल मैं ज्ञापन लेके कलेक्टर SP के पास गया था, लेकिन उर्स की छुट्टी होने की वजह से शाम को सिविल लाइन थाने के SI और एक हेड कांस्टेबल आए, बोला कि सुबह 11 बजे आपको SP और ADM से मिलना पड़ेगा। अभी ADM साहब सिटी पर नहीं दे तो वहाँ से मैं रिसीव ले आया, SP साहब सीट पर नहीं दे तो AD से SP से मैंने रिसीव लिया। लेकिन AD से SP साहब ने मुझे यह कहा है कि आपने जो कलेक्टर और ADM को ज्ञापन दिया है इनकी हमारे पास में आज या कल के अंदर ही आ जाएगी। उन्होंने रिसीव करके बताया जब मुझे दिया, लिखित में दिया है, जबकि AD से SP कभी ऐसी रिसीव मुझे पहली बार ही मिली है। आश्वासन अच्छा दिया, बोला कुछ आप इंतज़ार कर लो, जब 10 साल इंतज़ार किया है तो कुछ हमारे करने से इंतज़ार कर लो, उर्स भी चल रहा है और यदि फिर नहीं होगा तो हम आपको बाकायदा इजाज़त देंगे। तब देखता हूँ, 2 दिन तो वैसे इंतज़ार करूँगा, फिर ये कहेंगे कि होली आ गई, छुट्टियाँ आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि 10-12 तारीख और इंतज़ार करके फिर AD से SP साहब ने खुद नहीं कहा है, SHO रवीश कुमार सिंह CI साहब के सामने बोला मैं 2-3 दिन में फ़ोन कर दूँगा और यदि फ़ोन नहीं आता है तो आप 12 तारीख से मुझे पर्सनली आकर मिल जाना, मैं आपका सहयोग करूंगा, कार्रवाई करूंगा। धरने की परमिशन नहीं देते तो फिर क्या करेंगे? देखो, मुझे यहाँ परमिशन नहीं मिली तो मैंने जैसे पहले बोल रखा यहाँ से जयपुर जाऊंगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास पर, वहाँ से नहीं देने दिया तो फिर सीधा जाऊंगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग, और उसके बाद नहीं होगा तो मैंने कह रखा है राष्ट्रपति भवन के सामने जाके धरना दूंगा। जी हाँ, अपना एक आदमी बनवाओ ना यार, दे दूंगा भाई साहब। हाँ सर, क्या हुआ था और अब क्या मांग रखी है, अब आगे क्या रहेगा? हमारे जो सफाई कर्मचारी, महिला सफाई कर्मचारी है, कल
जो प्रातः वार्ड 47 के अंदर जो घटना हुई थी महिला सफाई कर्मचारी से, एक उस्मान अली जमादार, कार्रवाई जमादार जी है, उन्होंने जो अद्र व्यवहार कर उन पर झापड़ मार दिया महिला कर्मचारी को। कल विवाद हुआ, हमने पुलिस में FIR दर्ज भी कराई, उनके खिलाफ ST का मुकदमा भी लगाया और भी अन्य धारा लगा के हमने FIR दर्ज कराई। आज हम प्रशासन के अंदर आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए। अजमेर में जितनी भी हमारी वाल्मीकि संस्थाएं चल रही है, नगर निगम की तीनों यूनियन है, नगर निगम में जो स्थायी यूनियन है वो, और नगर और जो वाल्मीकि समाज के युवा साथी है, युवा टीम है, और वाल्मीकि समाज के हमारे पार्षदगण हैं, वाल्मीकि समाज के जो भी अन्य संस्थाएं हैं जो अन्य जुड़ी है, एक नेशनल फ्यूचर पार्टी है, इन्होंने भी हमारा समर्थन किया और सभी संस्थाएं यहां आपके सामने समक्ष मौजूद है। हमने सबने मिलकर माननीय आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमने ये सोचा कि हमारी मांग 3 दिन में अगर पूरी नहीं की गई, उसको निश्चित नहीं किया, उसको कार्यमुक्त नहीं किया, जमादार में कुछ उचित कार्रवाई नहीं की, तो हम समस्त यूनियन है हड़ताल कर आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। मेरा नाम ओम प्रकाश गोयर, अध्यक्ष सफाई कर्म। ये जो वार्ड नंबर 47 के अंदर ये वारदात हुई है, महिला के रैपट मार दी गई थी। नेशनल एंड फ्यूचर पार्टी इन लोगों का, वाल्मीकि समाज का समर्थन करती है और एक लेटर नगर निगम के नाम भी देती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर जमादार के थ्रू ऐसी कोई कार्रवाई हो तो उसकी रिपोर्ट नगर निगम में करें, मारपीट नहीं करें। हमारी यही मांग थी और इसी तरह का लेटर हमने इनकी यूनियन को दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल फ्यूचर पार्टी बजरंग लाल साहब। थोड़ा पीछे आओ ना साहिल भाई, पीछे आओ ना, हो गए आपके। एक मिनट पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। खान साहब, खान साहब, बस बस एक मिनट जाओ। पहले फेस करेंगे, बाद में आगे बाइट लेंगे। किसकी चादर लेके आए आप? पूरे दिल्ली के मंत्रिमंडल, LG दिल्ली, सभी की चादर मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ और सबों ने एक साझा जो पैगाम दिया है कि दिल्ली में जो साजिश चल रही है, अमन बहाल हो दिल्ली में, अमन कायम हो जाए फिर से, जो अफरा तफरी लोगों में फैली हुई है दिल्ली उससे महफूज हो जाए। ये पैगाम सबों ने एक ही पैगाम दिया है कि दिल्ली के लिए दुआ करें, दिल्ली महफूज हो जाए। दिल्ली में अभी काले बादल छाए हुए हैं, रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, एक से एक साजिशें हो रही हैं, उससे दिल्ली महफूज हो जाए।
दिल्ली की सरकार अच्छे से अच्छी तरह से चले और जनता के लिए काम करे, जैसा कि पिछले 5-6 सालों से करती आई है। हम सिर्फ जनता का काम करना चाहते हैं, हम कोई गंदी राजनीति नहीं करना चाहते। ये पैगाम लेकर हम बाबा की दर बाबा के दर में हाजिर हुए हैं। जो पैगाम है वो हमारे साथ ही इस्लामुद्दीन साहब पढ़ देंगे। कांग्रेस की युवा शक्ति के इलेक्शंस हुए हैं, रिजल्ट आ गए। भाई याशिर चिश्ती को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और इनकी एंटायर टीम और यूथ के वो सभी पदाधिकारी गण जिन्होंने साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक नेतृत्व वो सामने लेकर आए, मैं एंटायर टीम को बधाई देता हूँ। प्रदीप नवाल को भी विधानसभा अध्यक्ष बनने में बधाई देता हूँ। हरीश जोनवाल, ईश्वर राजौरिया, एंटायर टीम जिन्होंने बहुत दिल के साथ इस चुनाव को लड़ा और मुझे आशय नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव के अंदर, हर चुनाव के अंदर युवा टीम की जो ये एक यूनिटी बनी है, इसमें सुनील लारा है, अपने लोकेश है, मोहित मल्होत्रा है, चंदू भाई हैं, सभी हैं, मैं मतलब इतने ज़्यादा नाम हैं कि इनकी जो एकता इस चुनाव के अंदर देखने को मिली है, निश्चित तौर पर इनकी यूनिटी अजमेर शहर के अंदर कांग्रेस को एक अलग तरह की मजबूती प्रदान करेगी। और हर चुनाव के अंदर इन लोगों ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस के हर कैंडिडेट को मजबूत, हर इलेक्शन मजबूत करने का कार्य लोग करेंगे। हाँ, आज आप जीत, ये क्या कहना चाहिए? ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये मेरे बड़े भाइयों का आशीर्वाद, मेरी टीम, मेरे साथीगण और जो मेरे साथ सारे लोग अजमेर में मेरे युवा साथी लगे हुए थे, ये सब उन लोगों की मेहनत का नतीजा है। क्योंकि एक अकेले व्यक्ति की कभी जीत नहीं होती है, जीत हमेशा पूरी टीम की होती है। और साथ ही हमारे प्रदेश नेतृत्व सुमित भगासरा जी, उनको प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इलेक्शन में 45,000 वोटों से वो जीत करके आए हैं। ज़िले के अंदर मुझे मेरे साथियों द्वारा जीत दिलाई गई है। ऐसे ही दक्षिण के अंदर प्रदीप नवान, उनको पूरी टीम ने यहाँ पे साथ दे करके विजयी बनाया है। अभी उत्तर विधानसभा का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे इन भाइयों का, हेमंत भाटी जी का। सबसे ज़्यादा इनके आशीर्वाद की वजह से ये पूरा खेल एकदम टर्न हो गया और उस वजह से इतने बड़े मतों से मुझे जीत मिली है। आगे क्या रहेगा? आगे पूरी युवा शक्ति को साथ में लेकर के चलेंगे और सबसे बड़ी हमारी जो बात रहेगी कि दक्षिण विधानसभा और उत्तर विधानसभा, इसके जो आने वाले इलेक्शंस रहेंगे, इसके अंदर युवाओं का सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्यभार रहेगा। युवा एकदम इसके अंदर खुल करके आगे आएंगे। जिस तरीके से हमारी जो नेतृत्व इस वक्त में आलाकमान ने कांग्रेस को दे रखा है और जिसके अंदर हमारे हेमंत भाटी जी, उत्तर में महेंद्र सिंह रलावता जी, विजय जैन जी, गोपाल भाईती जी और ऐसे जो बड़े नेता हैं, इनके आशीर्वाद से सब युवाओं साथ मिलकर के चलेंगे। और ख़ासकर दक्षिण के अंदर हेमंत भाटी जी जिस तरीके से सभी युवाओं को साथ लेकर के चलते हैं, इनके आशीर्वाद से सारे युवा मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे, हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। जी सर, क्या हुआ था आपके साथ, पूरी वारदात क्या हुई थी और कहाँ, कौन से एटीएम की बात है ये? अपने कचहरी रोड पे एटीएम है, इंडिया मोटर कंपनी के पास वाला, बैंक ऑफ बड़ौदा का। मैं जब कल गया शाम को पैसे निकालने, और ये निकले 2 रोज़ के अंदर, 2 तारीख में और 3 तारीख में। हाँ, और वहाँ उसने नील बताया, मैं घर आ गया, मैंने घर में आके पूछा भाई किसी ने, कुछ बच्चों ने तो, उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी को दिया ही नहीं। उसके बाद आज सुबह जब हम गए तो एटीएम मेरे पास था, कल तक तो 933 रुपये वो किताब बता रही थी, और आज जब हम गए और देखा तो 800 रुपये वो भी निकल गए। ये सबूत है। लगभग कितने पैसे निकले? 32,000 रुपये निकाल चुके। 32,000 रुपये, तो किसी पे शक आपके जब आप एटीएम से पैसे निकालने गए, क्योंकि युवक पे शक आपको? हाँ, वो एक्चुअली एक लड़का था, उसको मैंने कहा भाई ये कुछ पैसे निकाल लें, मैंने उसको पिन कोड नहीं बताया। अच्छा। उसने वो देख तो रहा ना, वो दिल्ली का लड़का है। अच्छा। हाँ, और यहीं से मैं क्रिकेट खेल रहा था, यहीं से गए हम, उसने लगाया और देखता रहा, वो मैंने कार्ड अपने उसको करके अपने पास रख लिया,
और जब हम 3-4 रोज के बाद गए, जैसे कि तारीख 2-1, तो वो पैसे नहीं।